गुजरात के सूरत से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में आरोपी को नाबालिग का मुंह बोला भाई बताया जा रहा है। पहले उसने जबरन लड़की की मांग में सिंदूर डाला, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सूरत के डिंडोली पुलिस थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के माता पिता आरोपी के साथ उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई और उसने पुलिस को शिकायत कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। शादी से बचने के लिए वो अपने मौसा के परिचित युवक के साथ 1.5 साल पहले सूरत भाग गई थी। तभी से उसने आरोपी को अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। फिर अचानक इस मुंह बोले भाई ने नाबालिग की मांग में सिंदूर डाला और अपनी पत्नी बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे अपने दोस्तों को सौंप दिया, जहां पर एक खाली मकान में उसके साथ सबने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डिंडोली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइन के तहत 3 का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। We'll be right back.